अरे ससुरा, क्या तुम इस प्रकार से हेडशॉट्स मारना चाहते हो? टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ चुका है वीडियो लेके। हाँ गजब हो यार, मेरा क्रेडिट मतलब खुद ही खा रहे हो। अच्छा बात है गए। हाँ आप भी बताइए, अच्छा बात है क्या ये? अरे हाँ हाँ भाई, हम आ चुके हैं एक और गाइड के साथ। आज मैं तुम्हें एम के बारे में, एम कैसे सुधारना है वो बिगनर्स होने वाली है ये गाइड, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टिप बताएंगे हम। पहला टिप, कुछ भी चीज करने से पहले सबसे पहले बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है कि कॉन्फिडेंस से लड़ना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ सामने वाले बंदे को ले लेंगे। लेकिन बुड़बक ससुरा आयशा भी कॉन्फिडेंस मत ले आना अंदर की, बिना टीममेट के अंदर साइड के घुस रहे हैं और अकेले साइड डिफेंड करना है हमें तो। भाई भैया, टीम गेम है, टीम के साथ खेलेंगे, ठीक है समझे? चलो अपन चलते फटाक से रेंज में। जो मैं एम रूटीन यूज करता हूँ, वार्म अप रूटीन यूज करता हूँ, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। इसमें तुम्हारी प्री एमिंग, तुम्हारी स्ट्रेफिंग, तुम्हारा बर्स्ट एंड स्ट्रेफ सब चीजें कवर होने वाली है। प्री कंट्रोल भी करूंगा मैं कवर, और प्री ट्रांसफर भी। ये जो कुछ चीजें बताई, यही एम को और मूवमेंट को साथ में जोड़ती है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ रेंज में, एंड तुम यहाँ पे आके सबसे पहले प्रैक्टिस को कर दो। मेक श्योर कि 100 बॉट्स एलिमिनेशन ऑन हो या 50 बॉट्स एलिमिनेशन ऑन हो और वो स्टिल खड़े हो, तो ये मेक श्योर करना। और यहाँ पे पीछे आ जाओ ये वाले वॉल पे। एंड तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें ये जो ट्रेनिंग है इससे तुम्हारी प्री एमिंग और क्रॉसर प्लेसमेंट पे काम करेंगे अपन। इसमें तुम्हें अपनी ए एंड डी की इसका यूज करना है और पिक करना है। तुम्हें माउस की कम से कम मूवमेंट रखनी है, मतलब मान लो माइक्रो एडजस्टमेंट्स करो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो। एंड तुम कम से कम मूवमेंट के साथ वन टैप करने की ट्राई करो, हेड पे एम रखने की ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ट्राई करो। इससे तुम्हारी पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, तुम्हारी प्री एमिंग भी बेटर होगी, और हाँ क्रॉशर प्लेसमेंट तो बेटर होता ही है ये वाली ट्रेनिंग से, तो ये कर सकते हो तुम। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो हमारी माइक्रो एडजस्टमेंट्स काम करेंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है, तुम ये कर सकते हो। क्या करो कि फिर से प्रैक्टिस पे क्लिक करो, अब थोड़ा सा क्लोज आ जाओ जहाँ पे तुम यूजुअली खड़े होकर शूट करते हो। एंडी की कुछ मूवमेंट नहीं करनी है, जस्ट अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो और इन 100 बॉट्स को एलिमिनेट करो, और वन टैप करने की ही ट्राई करना, मतलब हेडशॉट मारने की ट्राई करो भले ही कितना भी टाइम लगे। एंड अपनी माइक्रो एडजस्टमेंट्स पे ध्यान दो, मतलब मूवमेंट नहीं करनी है तुम्हें, सिर्फ माउस चलाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो या एक ये कर सकते हो। और तो जो अब अगली टिप होने वाली है, इट इज रियली सिंपल। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बस अपन को अब मूवमेंट पे ध्यान देना है, मूवमेंट भी करनी है हमें। ए एंड डी की का यूज करके हम स्ट्रेफिंग करेंगे, इसमें करेंगे फिर पॉज लेंगे एंड देन विल शूट द टारगेट। इसको बर्स्ट शूटिंग भी बोला जाता है, बर्स्ट में शूट करेंगे अपन। तो इस सेकेंड में तुम ये कर सकते हो कि मूवमेंट करते करते शूट करो। ओके, तो मूवमेंट भी यहाँ पे तुम्हारी मास्टर हो रही है, और विथ एक्यूरेसी, मैं बोल रहा हूँ विथ एक्यूरेसी ये सब चीज़ें करनी है। मैं बताता हूँ अगला टिप, समझे? तो अगला टिप ये होने चाहिए मेरे हिसाब से कि आप लोग सबसे पहले जाके ससुर अपने इंटरनेट ठीक कीजिए। चला हर कोई 800-900 पिंग पे खेलने आ जाता है, मतलब फिर वो बीच में गेम छोड़ के चला जाता है। एक तो 2 राउंड के बाद ही गेम छोड़ के जा रहा है ससुरा, और भुगत कौन रहा है? वो 4 बंदे भुगत रहे हैं ना भाई, माइनस चलो सभी का हो रहा है, लेकिन वो 4 बंदे जो वो मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं उस टाइम पे, ये अच्छा बात थोड़ी है। तो यार पिंग विंग ठीक करके आओ यार, डिस्कनेक्ट वगैरह कम हो। और ये ससुर कौन है तुम में से? मैच लगा के मूतने चला जाता है और फिर आके बोलता है कि आई सॉरी आई कांट पीक बिकॉज आई गो टू मूतना। और ससुर बहुत कंप्लेन आ रही है हमारे पास कि भैया इंस्टा लॉग करने दिमाग क्या गान भी फाड़ दिया है, थोड़ा सोच विचार विमर्श करके सिलेक्ट करा करो यार एजेंट। अब भाई तुम्हें रेना खेलना है, तुम्हें जेट खेलना है, तो भविष्य के पहले गेम प्ले तो बनाओ। भविष्य के तुम्हें यहाँ पे वाइंडर चलाते नहीं आ रहा, और तुम ड्यूअलिस्ट ले रहे हो बे। हाँ अच्छा बात है, कहिए आगे से एक की भी ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए भैया। अरे भैया यार थोड़ा सोच समझ के भाई, तुझे खेलना है रेना, 4 मिनट बात कर ले कि एनीवन पिकिंग रेना, कोई मुझसे अच्छा खेल सकता है? ऐसा बोल लो यार, लॉबी में बात कर लो भाई। माइक दिया काय के लिए? गाना बजाने के लिए दिए हैं क्या माइक? नहीं ना, काय के लिए माइक दिए हैं? बात करने के लिए दिए ससुरा, बतियाया करो जरा, समझे? अगर बतियाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि मैं रेना अच्छा खेलता हूँ, तो इंस्टा लॉकर ही चलाओगे ना भाई। हाँ? और फिर तुम बोलते हो साली की ये हमको गाली दे रहा है, ये टॉक्सिक कम्युनिटी है। अरे घंटा टॉक्सिक कम्युनिटी, तुमने टॉक्सिक बना के रखा है।
चलो ये सब बातें साइड करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं स्प्रे ट्रांसफर की बात करूंगा जो कि बहुत सारे लोग इसको हवा में उड़ा देते हैं, बट इट्स अ मेजर स्किल फॉर अ मेजर गेम प्ले। गेम प्ले अच्छा करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आप मर जाते हो। मरते आप कभी होते हो जब दो तीन बंदे साथ में पीक कर लें तब मर जाते हो, वहाँ पे ये स्किल्स काम आती हैं। स्प्रे ट्रांसफर यही है, रिकॉइल रीसेट का वेट नहीं करना आपको, जस्ट मारते मारते दूसरे एनिमी पे एम स्विच करना और वो बंदा भी मर जाए, ये होता है स्प्रे ट्रांसफर। इसको करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, फिर से बर्ड प्रैक्टिस पे क्लिक करो, 100 बर्ड्स। अब थोड़ा और आगे आ जाओ और यहाँ पे तुम ये ट्राई कर सकते हो, पास से दूर, दूर से पास, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एम स्विच कर करके स्प्रे ट्रांसफर की ट्राई करो, फ्लिक्स मारने की ट्राई करो, ये कर सकते हो। तो अब हम अगली चीज की बात करते हैं एंड दैट इज स्प्रे कंट्रोल। ये प्रीटी सिंपल है, मैं बहुत अपनी दो वीडियो में बता चुका हूँ अभी तक की लास्ट की। तो इसे करने के लिए यार सिंपली ये जो वॉल दिख रही है तुम्हें यहाँ पे आना है, अपना स्प्रे पैटर्न समझोगा इनका। जैसे अभी मैं वैंडल लिया हूँ तो वैंडल में क्या कर सकते हो, वैंडल का स्प्रे पैटर्न समझा, उसके स्प्रे के अकॉर्डिंग ओपोजिट डायरेक्शन में माउस की मूवमेंट करी, दैट इज स्प्रे कंट्रोल, नथिंग एल्स। इसमें कोई हवा वाली बात है नहीं। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ और स्प्रे को और बेटर करते जाओ, इट्स जस्ट सिंपल। अगर तुम स्प्रे कंट्रोल सीख जाते हो तो फैंटम जैसी गनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यार स्प्रे ट्रांसफर एंड रिकॉइल कंट्रोल ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। स्प्रे ट्रांसफर नहीं सीख सकते जब तक तुम रिकॉइल कंट्रोल करना नहीं जानते। तो ससुरा क्या समझे, आज के बाद है ना कभी भी इंस्टा लॉकिंग और अपनी नेटवर्क को देख के ही काम पे शुरू करोगे और अच्छे से खेलो, एक हेल्दी कम्युनिटी बनाते हैं अपन, है? समझे, ज्यादा दूसरों का खून मत जलाओ क्या। लेकिन स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए यार, कभी कभी टीम में ढंग का नहीं मिलते हैं, छोड़ो उनको, चूल्हा छोड़ बाहर में जाए, तुम अपने काय को गुस्सा लगा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।